जिंदगी में अपने लक्ष्य को पाने के लिए और उसका पीछा करने के लिए, लक्ष्य तो खैर बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन उस लक्ष्य को मतलब कि कोई टारगेट है, कोई एम है, कोई ऑब्जेक्टिव है जो कि हमें बहुत दूर दिख रहा है, वो दूर की सोचने से पहले कहा जाता है, दूर की सोचे जरूर लेकिन पहला कदम जरूर चले। तो इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ी बाधक चीज़ है, बाहर से लोगों के कारण, सिचुएशंस के कारण जो भी डिफ़िकल्टीज या जो भी दिक्कतें हमको आती हैं वो अपनी जगह पर हैं और वो सीमित हो सकती हैं, लेकिन एक असीमित बाधा जो कहीं और से नहीं, हम में से खुद में से निकल कर आती है, उस एक बाधा का नाम है आलस्य, और उसके साथ ही जो दूसरी बाधा है उसका नाम है प्रमाद, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर इसको हम देखें तो हम समय समय पे किसी काम को न कर पाने के कारण फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमें उसके कारण मन में एक तरह का खुद से गुस्सा पैदा होता है, और उस गुस्से के कारण हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो गुस्सा किसी और चीज़ पे शिफ्ट करते हैं। नहीं कर पाने के कारण मन और निगेटिव होते जाता है, और हम अपने रूटीन को बिगाड़ते जाते हैं, अपने खान पान को बिगाड़ते जाते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने संबंधों में हम अच्छी बातें बोलने की बजाय और फ्रस्ट्रेशन के कारण गलत गलत बातें बोल देते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और ऐसे न जाने कितनी सारी चीज़ों की एक बाढ़ सी आ जाती है हमारे जीवन में जब हम इस आलस्य का शिकार होते हैं। और ये आलस्य कहीं बाहर से आके हमारा शिकार नहीं करता, ये हमारे अंदर ही बैठा रहता है, और मौका पाते ही जहाँ पर ये देखता है कि इस बंगले का मालिक, मतलब बंगला मतलब ये मेरा पूरा शरीर, इस शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक थोड़ा सा ढीला हो रहा है, तो उसके ढीलेपन का फ़ायदा उठाने की वो पूरी कोशिश करते हैं और वो तुरंत हमला आप पर बोल देते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो आपके अंदर ही चल रही है, आपको एक्टिव रहना है या आपको आलस्य में चले जाना है। मतलब एक सामान्य सा रूटीन होता है, उठना है, सोना है, खाना है, खेलना है, पढ़ना है, प्रायोरिटी क्या है आपकी, सोना, खाना, खेलना या पढ़ना? देखिए सब चीज़ें प्रायोरिटी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी की भी कुछ प्रायोरिटी होती है, और उसमें अगर सिर्फ आलस्य को पकड़ा जाए तो मेरे ख्याल से इसके अनुभव अगर लिए हो किन्हीं ने तो वो मान सकते हैं कि आप जितना शारीरिक रूप से अपने आप को थकान महसूस करवाएंगे उसका कारण होगा आपका मन। मन के साथ आपने एक बार हामी भर दी कि हाँ लग रहा है कि थोड़ी थकान है, थोड़ा आराम कर लो, तो ये थोड़ा आराम जो है बहुत लंबा आराम हो जाता है, और इस आराम की ऐसी श्रृंखला चलती है कि अभी आपने आराम किया, फिर आपको आराम चाहिए, फिर उसके बाद आराम चाहिए, फिर उसके बाद आराम चाहिए, मतलब काम गया, आराम ही आराम। और इसके कारण होता क्या है कि हम ये मान के चलें कि इंसान को कभी कभी लगता है कि जब हम काम धाम करते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं, और जब सोते हैं तो रिलैक्सेशन होता है। सोने की भी अपनी कला है, योग निद्रा के माध्यम से इसे बताया जाता है, लेकिन अगर सामान्य रूप से देखें तो इंसान सोते हुए भी थकता है जब मन आपका शांत हुआ नहीं, एक के बाद एक आप जबरदस्ती नींद निकाले जा रहे हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, शरीर में अकड़न झकड़न और होगी, जो हार्मोनल सिक्रेशन हैं जो अपने अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं वो और टायर्ड फील करते हैं, और बिना बॉडी वर्कआउट के एक बार अगर आप इस आलस्य के फेरे में पड़ गए तो फिर ये आपको आराम से सुलाता है, लिटाता है, आप तो फिजिकली लेटे रहते हैं लेकिन फिर नींद हराम हो जाती है, काम जो पड़े रहते हैं उसकी चिंताएं बढ़ती जाती हैं, शरीर तो शरीर मन भी रोगी होता जाता है, और ये सब चीज़ें अंत में जो एक चीज़ हमें सिखाती हैं वो ये है कि आराम फिर भी नहीं मिला, इसीलिए किसी ने कहा कि आराम हराम है, काम करो, कार्यांतर ही विश्राम है, काम को बदलो ताकि एक्टिव रहो, इस बॉडी को एक मीडियम बनाकर के इससे जितना बेहतर कार्य ले सके हम करें, आराम भी प्रॉपर होना चाहिए लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। जितना हम आलस्य को और फ्यूल करेंगे वो उतना ही बढ़ेगा, और जितना हम कार्यों को और फ्यूल करेंगे यानी उसको और बढ़ावा देंगे, उसको और पालेंगे पोसेंगे, कार्य और बढ़ेंगे, तो डिसीजन हमें लेना है। और कुल मिलाकर आलस्य के एक बार जंजाल में आप पड़ गए, बिस्तर से दोस्ती बस उतने समय के लिए जितना आराम शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन उसके अलावा फिर शरीर को हम एक्टिव कैसे रख सकते हैं, कैसे कार्य बदल के हम ये कर सकते हैं, कैसे जगह बदल के हम ये कर सकते हैं, कैसे सबसे बड़ी चीज़ है मन को पकड़ना, मन को पकड़ना कहीं भी जाए उसको पकड़ के लाना है। वो कंबख्त सुबह उठता है लेट और फिर कहता है थोड़ा और आराम मिलना चाहिए था, तो इंसान फ्रेश होके नाश्ता करके फिर सो जाता है, क्या शरीर को आराम नहीं मिला, आराम मिलना चाहिए। अरे कल रात को ज़्यादा गए थे, दिन में आराम करना चाहिए, तो आप दिन में सो गए, फिर रात को नींद खुलेगी, रात को नींद खुलेगी, रात को नहीं सोएंगे, फिर सुबह नींद खुलेगी लेट से, फिर लगेगा कि शरीर को थकान हो गई और नींद चाहिए, तो कुल मिला के इस सिस्टम को किसी न किसी एक पॉइंट पर ले जाके आपको रोकना पड़ेगा, और जब आप इसे रोकेंगे और जब आप एक फिर से री इन्वेंट कीजिए, री स्टार्ट करिए लाइफ को, कितने भी मोमेंट में री इन्वेंट री स्टार्ट आप कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इंसान हैं, खुद से बात कीजिए, खुद की समीक्षा कीजिए, और ये मान के चलिए कि लेजीनेस फ्यूल्स मोर लेजीनेस एंड एक्टिविटी फ्यूल्स मोर एक्टिविटी। नाउ वी हैव टू डिसाइड किसको हम फ्यूल करने जा रहे हैं, लेजीनेस को या एक्टिविटी को। टाइम यही है, करना खुद है, दुश्मन बाहर कहीं नहीं है, सबसे ज़्यादा दुश्मन हमारे अंदर बैठे हैं,
और आलस और प्रमाद हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। आलस और प्रमाद हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, हमारे ही अंदर बैठे हैं। बाहर के दुश्मन जबरदस्ती के बना के उनसे हम पार पाने की स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो अब आवश्यकता है कि अपने अंदर बैठे इन दुश्मनों से कैसे पार पाना है। क्या हम खुद से कह सकते हैं कि आलस और प्रमाद अब तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, फालतू के भटकते मन अब तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, तुम्हारी मैंने बहुत सुन ली, तुमने जब कहा तब उठे, जब कहा तब सोए, जब जो कहा जो खाए, जब कहा जो किए, काम आज का कल पे टालते गए, टालते टालते स्थिति ये आ गई है कि अब काम होगा कि नहीं होगा आफत इंसान के ऊपर बनी रहती है। तो उन स्थितियों में अब एक लड़ाई खुद से लड़नी, और वो भी विचारों के स्तर पर लड़ी जानी है, जहाँ पर खुद को ये पॉजिटिव इनपुट देना है कि मेरे अंदर से आलस्य और प्रमाद को मैं पूरी तरीके से बाहर निकाल करके फेंकूंगा। मैं अपने मन की कोई भी ऐसी बात नहीं मानने वाला जिसमें वो मेरे को इन चीज़ों की ओर धकेलता है, और मेरा एक ही सिद्धांत रहेगा कि मैं आराम उतना ही करूंगा जितना आवश्यक है, काम ज़्यादा से ज़्यादा करूंगा क्योंकि और बेहतर कर सकूँ।